रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम। बिहार के गया जिले में स्थानीय चौक टावर स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस पार्टी कांग्रेस सेवक दल के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं शहादत दिवस पर 4 घंटे का सत्याग्रह एवं उनका पसंदीदा भजन रघुपति राघव राजा राम पति पतावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सुनुमति दे भगवान राम रहीम करीम समान हम सब हैं उनके संतान को एकजुट होकर सभी लोगों ने गाया। इस अवसर पर उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य मगध प्रमंडल कांग्रेस प्रवक्ता प्रोफेसर विजय कुमार मिट्टू ने कहा कि आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि देश के सत्ता में बैठे लोग गांधी जी के हथियारे गोडसे को महिमा मंडित करने का आतुर है। गांधी जी के सर्वधर्म सद्भाव धर्म निरपेक्षता को खंडित कर वोट की राजनीति की जा रही है। कार्यक्रम में शौकत निषाद उर्फ नवाब अली मोहम्मद रिजवान सरदार किशन सिंह तारकेश्वर नाथ विनोद बनारसी श्रीकांत शर्मा राम प्रवेश सिंह अमित कुमार अमरजीत कुमार जगदीश यादव अरुण कुमार पासवान गोल्डन कुमार आकाश कुमार शिव जतन मांझी मदन चंद्रवंशी सहित कई लोग मौजूद थे। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर पूरे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर उनका सबसे प्रिय जो भजन था रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, इस प्रिय भजन को हम लोग गया के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा के समक्ष आज सभी कांग्रेस जन एकजुट होकर के गाए और आज उनके इस शहादत दिवस के अवसर पर पूरा देश ये मांग करना चाहती है कि भारत का संविधान और राष्ट्रपिता के बताए हुए रास्तों पर चल करके ही भारत का पूरा विकास होगा और भारत का विश्व में नाम होगा। परंतु अफसोस के साथ आज जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का जयकारी लगा रहे हैं और उनके मंदिर बनाने पर उतावला है, लेकिन देश की 135 करोड़ जनमानस आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर ये संकल्प दोहराया है कि ये देश धर्म निरपेक्ष और सर्वधर्म संभाव देश है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन बौद्ध सभी लोग एकजुट होकर के इस देश को एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। जय हिंद जय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी।